नमस्कार मोदी जी। नमस्ते, आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। मोदी जी, हम सबको मालूम है आप कितने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा समय आपका चुराया है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के विषय में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है, लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है, रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा समझा, तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मेरी कहानी नहीं है। पर जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है, रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है।
ये जो व्यक्ति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं जब ऐसी जगह में आप होते हैं, या आपको स्वयं को देखते हैं कि मैं एक सफर कर चुका हूं, या वो एक रस हो जाता है, सब मिल जाता है और एक ही व्यक्ति रह जाता है? ऐसा है, मैं वहां होता ही नहीं हूं। और मैं तो आदि शंकर के उस अद्वैत के सिद्धांत को, किसी जमाने में उससे जुड़ा हुआ था तो मैं जानता हूं कि जहां मैं नहीं तू ही तू है, जहां द्वय नहीं है वहां द्वंद नहीं है। और इसलिए जहां द्वैत नहीं है, और इसलिए अगर मैं मेरे भीतर के उस नरेंद्र मोदी को लेकर के जाता हूं तो शायद मैं देश के साथ अन्याय कर दूंगा। देश के साथ न्याय तब होता है कि मुझे अपने आप को भुला देना होता है, अपने आप को मिटा देना होता है, स्वयं को खप जाना होता है, और तब जाकर के वो पौधा खिलता है। बीज भी तो आखिर खप ही जाता है जो वट वृक्ष को पनपाता है। और इसलिए आपने जो कहा वो मैं अलग तरीके से देखता हूं। जी जी। लेकिन जब देश की बात आती है तो आप उसको बहुत फोकस होकर देखते हैं, और सब लोग आज बदलाव की बात करते हैं। बदलाव पहले सोच में आता है, फिर एक्शन में आता है, फिर एक प्रक्रिया से गुजरता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। पर बदलाव अपने साथ एक चीज और लेकर आता है मोदी जी, अधीरता, आतुरता, बेसब्री, इम्पेशंस। आइए देखते हैं हमारा क्या मतलब है इस वीडियो में। कल तक मैं बेबस था बदलाव के लिए, मानो माँ ने खीर रखी थी चूल्हे पर पकने के लिए, पर थाली में गिरने में सालों गुजर गए। मुझे वो सब बदलना था जिसने मुझे हमेशा कतार में खड़ा रखा। मुझे वो सब बदलना था जिससे मैं कभी किसी को नहीं दिखा। मुझे बांटने वाली, रोकने वाली, हाथ फैलाए रखने वाली, हमेशा निर्भर रखने वाली रीतियों को बदलना था। और आखिरकार बदलाव शुरू हो गया है। पहले मैं 2 कदम चलता था, आज 6 कदम चल रहा हूँ। इसलिए आज मैं बेसब्र हूँ और तेज रफ्तार के लिए। और तेज सड़कें बनाओ, और जल्दी इंडस्ट्रीज लगाओ, और ज्यादा फसलें उगाओ, और ज्यादा पावर पहुंचाओ। पहले से और ज्यादा काम की भूख है मुझे, पहले से तेज विकास की बेसब्री। हाँ, कल तक बेबस था, पर आज मैं तेज बदलाव के लिए बेसब्र हूँ। मैं भारत हूँ। मोदी जी, अभी हम सबने देखा, और ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें 2 कदम चलने की आदत थी तो मोदी जी अब हम कई गुना ज्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री अभी 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 क्यों नहीं, इम्पेशंस, इसे कैसे देखते हैं आप?
मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है, वरना तो मैं समझता हूं जिंदगी रुक जाती है। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है। और आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार फोर व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है, वरना एक कालखंड था निराशा की गर्त में हम डूब गए थे। और ऐसा कि चलो छोड़ो यार अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है, चलती है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप में से जो लोग बहुत पहले भारत से निकले होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब अकाल की परिस्थिति पैदा होती थी तो गांव के लोग सरकारी दफ्तर में जाकर के मेमोरेंडम देते थे और क्या मांग करते थे कि इस बार अकाल हो जाए तो हमारे यहां मिट्टी खोदने का काम जरूर दीजिए और हम रोड पर मिट्टी डालने का काम करना चाहते हैं ताकि हमारे यहां कच्ची सड़क बन जाए। उस समय उतनी ही बेसब्री थी कि जरा एक तो अकाल आ जाए, अपेक्षा करते थे अकाल आ जाए और मिट्टी के गड्ढे खोदने का काम मिल जाए और फिर एक रोड पर मिट्टी डालने का अवसर मिल जाए। आज मेरा अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, जिसके पास सिंगल लेन रोड है तो कहता है अरे क्या मुख्यमंत्री जी अब डबल रोड बनाइए ना, डबल बना था अरे साहब अब तो ये क्या है, पैवर रोड होना चाहिए, पैवर रोड होना चाहिए। मुझे बराबर याद है मैं उच्छल नीजर गुजरात के एकदम आखिरी छोर के तहसील थे, वहां से कुछ ट्राइबल लोग मुझे एक बार मिलने आए, वो कहते हैं हमें पैवर रोड चाहिए। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे इलाके में कभी स्कूटर भी घूम रहा था, मैं बस में आता था, मैं सालों तक उस जंगलों में काम किया हूं, तुम्हारे यहां तो रोड तो है। बोले साहब रोड तो है लेकिन अब हम केले की खेती करते हैं और केले हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस रोड पर हम जाते हैं तो ट्रक में केले दब जाते हैं, हमारा 20% नुकसान हो जाता है, हमें पेवर रोड चाहिए ताकि हमारे केले को कोई नुकसान न हो। मेरे देश के ट्राइबल के दिल में ये पैदा होना, ये बेसब्री पैदा होना, ये मेरे लिए प्रगति के बीज बोता है जी, और इसलिए मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता हूं। दूसरा, आपने परिवार में भी देखा होगा, तीन अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं अरे यार जरा देख लो, जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। मैं समझता हूं कि
और ये बात सही है कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है, वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब, और हम जब कर रहे हैं पहले एक दिन में जितने रास्ते बनते थे आज करीब करीब 3 गुना हम बना रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में होता था वो आज 3 गुना होने लगा। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, सोलर एनर्जी लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है क्योंकि भरोसा है जी। तो ऐसा लगता है कि जब पहले रोड उन तक पहुंचती है और जब उन तक रोड पहुंच जाती है तो वो दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये आशाएं एक तरफ आप जगाने की बात करते हैं और इस बेसब्री को आपने बखूबी समझा, और उसकी जो पॉजिटिव साइड है कि किस तरह से वो बेसब्री जो है वो द्योतक है आगे बढ़ने की एक भावना का, वो आपने हमें समझाया। मोदी जी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही है, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो इस तरह से आपके मन में घटित होती? मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। जहां तक निराशा का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना पाना बनना होता है तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है, लेकिन जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस संकल्प को लेकर के चलते हैं, मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। कुछ लोगों को कभी लगता है कि छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है, नियम बेकार है, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर तरीके बेकार है। आपको ऐसे एक सेट ऑफ पर्सन मिलेंगे जो यही बातें बता देंगे। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूं। मैं कभी कभी कहता था अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। और इसलिए अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे, और आखिरकार आपको, मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा।